मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा हंसी रखी है। तो वाकई में बहुत खूबसूरत जिंदगी में सबसे हंसी लड़की है। ओके एनीवेज वाओ, फिर से एक नया विक्टिम। आई मस्ट से कि बहुत लकी हो कि ये बेवकूफ लड़कियां तुम्हारी बातों में आ जाती। माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? इससे भी बढ़कर कुछ हो सकता है कि दैट यू आर माय हस्बैंड। इस वक्त तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना ही मेरा सबसे बड़ा बिजनेस है। आर यू मैरिड? ऑफ कोर्स। अभी भी आपको मालूम नहीं हुआ? यू कैन गो नाउ प्लीज। हो गया क्या? तुम्हें और भी कुछ करना है? कब सुधरोगे तुम? हाँ, तुमसे बात कर रही हूं मैं। लोगों की दुआएं और गुल का साथ भी अहमियत रखता है दादी जान। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है, की जिंदगी में कामयाबियां ही कामयाबियां। आज ही गया मेरा भाई, अभी से उदास हो गई। ऐसी बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही। बस ऐसे ही। हमारी आंखें ना सब बता देती हैं कितना मिस कर रही हो तुम उसे। तो बाय द वे कॉल क्यों नहीं कर ली? अब नहीं, आज उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। फ्री होके वो मुझे खुद ही कॉल कर लेगा। तो बस ठीक है, जब फ्री होके कॉल करेगा तो लंबी बातें कर लेना वीडियो कॉल। हेलो, क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, बस गपशप हो रही है। जॉइन अस। हाँ, लेकिन मैं पहले एक अच्छी सी चाय बनाऊंगी, फिर सब बैठ के बातें करेंगे। ओह यस, मैंने मरीम को बोला हुआ चाय का। उसको बोलो कि दो कप और ऐड कर। हाँ ठीक है। मौका अच्छा है, मरियम भाभी के दिल में बदगुमानी का बीज बो देती है। बहुत दोस्ती है ना गुल के साथ, इन दोनों को अलग करना बहुत जरूरी है। अरे भाभी, आप यहाँ हैं और आपके शोहर वहाँ, आपकी भाभू के आंसू पोंछ रहे हैं। क्या फिजूल बातें कर रही हो? कौन सी भाभी? अरे एक ही तो भाभी है आपकी गुल, बस वो रो रही थी कि आपके शोहर वहाँ पहुँच गए, उसके आंसू पहुँच रहे हैं। रोशना, अपनी फजूलियाँ जाके कहीं और उगलो, मुझे अपने सारे रिश्तों पे पूरा एतमाद है। अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भला कोई ऐसी बात बोल सकती हूँ असद भाई के बारे में या आप हमारी गुल के बारे में, और आप तो सीरियस हो गई। अच्छा भाई, सॉरी, माफ कर दें। अच्छा सुने ना भाभी, आप तुम खुद को समझती क्या हो? मिसेस जिब्रान। मिसेस, तो पता तुम इस काबिल नहीं हो। ये जिंदगी चली क्यों नहीं जाती? मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो? तंग आ गया हूँ मैं तुमसे। पर मैं तंग नहीं आई। तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम्हें छोड़कर चली जाऊं, बल्कि तुम्हारे साथ रहने के लिए की थी। सो माय डियर हस्बैंड, ये ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि मैं इतनी आसानी से तुम्हें कहीं भी छोड़कर नहीं जाने वाली। हमारा साथ तो मरते दम तक का है।